भारत पाकिस्तान की सरहद के रजौरी स्थित एलओसी पर गुरुवार शाम लगभग 6 बजे पेट्रोलिंग को निकली बीएसएफ की एक टीम पर दुश्मन देश पाकिस्तान ने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान बीएसएफ में तैनात बहराइच के लाल सरबजीत सिंह की मातृभूमि सुरक्षा करते हुए शहादत हो गई। शहीद जवान का बड़ा भाई भी सेना में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ही तैनात है। गुरुवार रात जैसे ही शहीद जवान के परिजनों को इसकी जानकारी हुई, परिवार में हाहाकार मच गया। शनिवार को उनका शव गांव पहुंचा। शहीद सरबजीत के घर पर संतावना देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीरिया थाना के कोकुलपुर के मांजरे सिखनपुरवा निवासी पुत्र सुरेंद्र सिंह 23 मार्च 2018 को बीएसएफ में भर्ती हुए थे। उनकी तैनाती इन दिनों जम्मू कश्मीर के रजौरी स्थित एलओसी पर थी। इनके बड़े भाई भी सेना में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात है। सरबजीत सिंह अविवाहित थे। वह 3 भाई व 3 बहनों में दूसरे नंबर के थे। तीसरा भाई संतुआत घर पर ही है। शहीद जवान का शव गुरुवार को दिल्ली लाया गया। यहां श्रद्धांजलि देने के बाद शव लखनऊ पहुंचा। वहां से शव उनके पैतृक आवास सिखनपुरवा पहुंचा। गुरुवार रात से ही शहीद जवान के घर पर संतावना देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि शहीद जवान सरबजीत सिंह की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं इस वतन की, इस चमन की, इस मिट्टी की, उन वीरों की, उन शहीदों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर देश का फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बगल में जो बेल आइकन होगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट जरूर करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।